हरियाणा में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में पूर्व मंत्री जगदीश यादव अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें, कांग्रेस पार्टी ने चुनावों से ठीक पहले जगदीश यादव को अपने पाले में लाकर बड़ी गेम खेल दी है, क्योंकि जगदीश यादव का अहिरवाल क्षेत्र में अच्छा खासा वर्चस्व है, जिसका फायदा अब कांग्रेस को चुनावों में जरूर मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने भाजपा को चेतावनी दे दी है। जगदीश यादव ने कहा कि आज से ही अहिरवाल में भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देखते जाओ अहिरवाल में भाजपा की क्या हालत होगी। जगदीश यादव ने बताया कि वो 4 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इन 4 सालों में उन्होंने देखा कि भाजपा का कोई सिद्धांत नहीं है, बीजेपी सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। वो राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को चुना है। फिलहाल अब आप भी सुनिए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद जगदीश यादव का संबोधन। इसके साथ ही इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मैं समझता हूँ कि आज ये मौका है हम सब मिलकर हरियाणा में ये जो परिवर्तन का माहौल हरियाणा बना है, इसमें हम सब मिलकर आगे बढ़े और परिवर्तन लाएं, सरकार लाएं, ताकि हमारा इलाका विकास की तरफ फिर आगे बढ़ सके। और जगदीश जी आज आए हैं, मैं एक बार फिर आपका भाई साहब स्वागत करता हूँ। और मैंने जैसे कहा, ये आपका फैसला सही समय पे जो है लिया गया, सही फैसला है। ये फैसला रंग लेके आएगा, ये मैं आज जिनके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं जगदीश यादव जी से निवेदन करूंगा, शुभ समय और शुभ कार्य के लिए आज पहुंचे हैं, वो आपको आए संबोधित करें। जगदीश यादव, हरियाणा प्रदेश के पूर्व और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, आदरणीय मेरे अजीज भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मेंबर पार्लियामेंट, राव दान सिंह जी, प्रोफेसर संपत सिंह जी, भाई सुखबीर कटारिया जी, राव नरेंद्र जी, पूर्व मंत्री अनीता जी, वीरेंद्र जी और कैप्टन साहब तो मेरे हैं ही, कप्तान साहब, ये सब भूल गया था मैं नाम, कप्तान साहब और एक मलोर, ये मेरे मित्र हैं, ये वहाँ नकल से एमएलए हैं अम्बाला, तो और सभी कोसली विधानसभा क्षेत्र और अहिरवाल से आए हुए मेरे बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथियों माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी का अवसर है कि हम सब ने कांग्रेस ज्वाइन की है हुड्डा साहब के नेतृत्व में। हम तो कभी कांग्रेस में रहे नहीं, एक बात सुनो, पहली बार आए, हमने तो विरोध विपक्ष की ही, कांग्रेस के विपक्ष में ही लड़ते रहे हम, क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे लोग बैठे थे जिनके खिलाफ मैं लड़ा करता, तो इसलिए कभी जाना हुआ नहीं। तो ये आपने दिग्गज नेता जगदीश यादव को सुना, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बता दें, इससे पहले जगदीश यादव हरियाणा विकास पार्टी के साथ ही कई सालों तक इंडियन नेशनल लोकदल का हिस्सा भी रह चुके हैं। इनेलो छोड़कर ही उन्होंने साल 2019 में भाजपा का दामन थामा था और अब जो है उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।